आज के वीडियो में बात करेंगे ओप्पो रेनो 6 5G जो डिवाइस है, इस डिवाइस के यूजर्स के लिए एंड्रॉइड 13 और कस्टमर 13 का जो बीटा फॉर्म है वहाँ पर किस डेट को लाइव किया जाएगा। तो ओप्पो की ओर से रोड मैप शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया गया है और आपका डिवाइस का नेम भी मेंशन कर दिया गया है कि किस डेट को कलर स्टार्टिंग का बीटा फॉर्म शो होगा, किन्हें उसको अप्लाई करना चाहिए, किन्हें उसको मिस करना चाहिए। इस अपडेट से रिलेटेड सारे को डिटेल शेयर करूंगा, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो रेनो 6 5G जो डिवाइस है, इस डिवाइस के एंड्रॉइड 13 और कलर 13 बीटा फॉर्म के बारे में बात करें, उससे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, वहां पर आपको जो भी सिक्योरिटी पेज अपडेट देखने को मिलता है उसे आपको अपडेट कर लेना है, तभी आपके डिवाइस में कलर स्टूडेंट का बीटा फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। अब अगर बात करते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि एक बीटा अपडेट है। इस अपडेट के साथ में आपको कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जैसे हीटिंग इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज, बैटरी डाउन इश्यूज, लैगिंग इश्यूज, हैंगिंग इश्यूज, यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, उन्हें इसके बारे में बात करें कि जो अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको किस डिवाइस की सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर क्लिक करना है, राइट टॉप में सेटिंग आइकन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, वहाँ पर आपको बीटा शो होगा, उस पर आप टैप करोगे तो वहाँ पर एक फॉर्म शो होगा जहाँ पर आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने पर आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म अंडरव्यू में चले जाएगा। अंडरव्यू में जाने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव्ड या फिर पास्ड होगा, जो कि 3 वर्किंग डे के अंदर हो जाएगा। उसके बाद आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर के सेक्शन में 6 GB के आसपास एंड्रॉइड 13 का बीटा वर्जन देखने को मिलेगा। उस फाइल को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज 20 GB फ्री स्पेस होना चाहिए और आपके डिवाइस का चार्ज 60% प्लस होना चाहिए, तभी आप उस फाइल को इंस्टॉल करिएगा। अब अगर बात करते हैं कि कलर स्टडियन का जो बीटा फॉर्म है वह पर किस डेट को लाइव किया जाएगा, तो ओप्पो की ओर से ऑफिशियली कंफर्म किया गया है 28 अक्टूबर को कलर स्टडियन का बीटा फॉर्म आपके डिवाइस में लाइव किया जाएगा। उससे 2 या 3 दिन पहले भी यहाँ पर रोल आउट किया जाएगा, तो आपको एक्टिव रहना होगा। एक्टिव रहने के लिए हमारे चैनल से आपको जुड़ जाना है ताकि इसके रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो यार, इस छोटी छोटी में यही था, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अधिक नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता हूँ, तब तक ले बाय, टेक केयर।